जब भी आप ओपन सर्जरी करवाते हैं तो जो सर्जन्स होते हैं वो आपके चेस्ट पर लंबे इंसीजन्स लेते हैं। लाइपोसक्शन के खुद के इंसीजन 3 या 4 मिलीमीटर के होते हैं। जब भी आप ओपन सर्जरी करवाते हैं तो होने वाला दर्द ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप लाइपोसक्शन करवाते हैं तो आप अगले दिन डिस्चार्ज हो सकते हैं और अपना स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जो भी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि गायनेकोमेस्टिया यानी कि मैन बूब्स की कंडीशन में लाइपोसक्शन सर्जरी ओपन सर्जरी से किस तरह से बेहतर है। मैं आपको ऐसे 5 रीज़न बताऊंगा जो कि आपको मजबूर कर देंगे कि गायनेकोमेस्टिया के लिए लाइपोसक्शन चूज़ करने के लिए। सबसे पहला रीज़न कि क्यों आपको लाइपोसक्शन करवाना चाहिए गायनेकोमेस्टिया के लिए, वो है मिनिमम इंसीजन एंड मिनिमम स्कार। जब भी आप ओपन सर्जरी करवाते हैं तो जो सर्जन्स होते हैं वो आपके चेस्ट पर लंबे इंसीजन्स लेते हैं और उनको लेयर्स में क्लोज करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपकी छाती पर बनने वाले निशान भी लंबे ही आएंगे। तो जब भी आप लाइपोसक्शन चूज़ करते हैं तो बहुत ही मिनिमम निशान होते हैं। लाइपोसक्शन के खुद के इंसीजन 3 या 4 मिलीमीटर के होते हैं। जो छाती की बड़ी ग्लैंड होती है उसको निकालने के लिए हम ट्रांस निप्पल या फिर सरकम एरियोलर इंसीजन लेते हैं जिसके निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। दूसरा रीज़न कि क्यों आपको लाइपोसक्शन चूज़ करना चाहिए गायनेकोमेस्टिया के लिए, वो है मिनिमम पेन। जब भी आप ओपन सर्जरी करवाते हैं तो होने वाला दर्द ज़्यादा होता है, जबकि लाइपोसक्शन मेथड में चूँकि इंसीजन भी बहुत छोटा है इसलिए दर्द भी नहीं होता। ऐसी कंडीशन में आप ऑपरेशन के 2 घंटे बाद चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। 6 घंटे के बाद आप अपने घर जा सकते हैं और आप अगले दिन से ही अपना स्कूल, कॉलेज, जॉब या बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा रीज़न कि क्यों आपको लाइपोसक्शन कराना चाहिए गायनेकोमेस्टिया के लिए, वो है बेटर हीलिंग। जब भी आप ओपन सर्जरी करवाते हैं तो चूँकि आपके इंसीजन लंबे होते हैं इसलिए हीलिंग होने में भी टाइम लगता है, जबकि लाइपोसक्शन मेथड में आपके जो इंसीजन्स होते हैं वो बहुत मिनिमम होते हैं और उतने ही छोटे चीरे से आपका सारा ग्लैंड और सारा फैट निकाल लिया जाता है। तो होने वाली रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है और इवन 3-4 दिन के बाद बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता कि कुछ दर्द है और आप बिल्कुल फिट महसूस करते हैं। चौथी वजह कि क्यों आपको गायनेकोमेस्टिया के लिए ओपन सर्जरी के बजाय लाइपोसक्शन करवाना चाहिए, वो है अर्ली डिस्चार्ज। जब भी आप ओपन सर्जरी करवाते हैं तो कम से कम 5 दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होकर रहना पड़ता है। भले आपकी सर्जरी सस्ती हो जाएगी लेकिन लंबे टाइम तक एडमिट रहने की वजह से आपका पैसा भी ज़्यादा लगता है और आपको अपने काम में भी नुकसान होता है। वहीं अगर आप लाइपोसक्शन करवाते हैं तो आप अगले दिन डिस्चार्ज हो सकते हैं और अपना स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जो भी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपकी शुरुआती कॉस्ट ज़्यादा आएगी लेकिन आपका जो ओवरऑल खर्चा है वो कम आता है। 5वां और आखिरी रीज़न कि क्यों आपको गायनेकोमेस्टिया के लिए ओपन सर्जरी के बजाय लाइपोसक्शन करवाना चाहिए, वो है नो नीड टू फर्दर विजिट्स। जब भी आप ओपन सर्जरी करवाते हैं तो आपको एक तो लंबा एडमिट रहना पड़ता है और आपको टांके कटवाने के लिए दोबारा आना पड़ता है। कभी कभी जो इंसीजन लाइन होती है उसमें पस पड़ जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको बार बार हॉस्पिटल में आना पड़ता है। जबकि अगर आप लाइपोसेक्शन मेथड चूज़ करते हैं गायनेकोमेस्टिया के लिए तो ऐसी कंडीशन में बहुत मिनिमम इंसीजन होते हैं। हम लोग ऐसी कंडीशन में गलने वाले टांके लगाते हैं तो इस कंडीशन में आपको दोबारा टांके कटवाने के लिए भी नहीं आना पड़ता है। कभी कभी किसी रेयर चांसेस में आपको दोबारा दिखाने के लिए आना पड़ता है। तो ओवरऑल मेरा आपसे ये सजेशन है कि अगर आप गायनेकोमेस्टिया के लिए ट्रीटमेंट देख रहे हैं तो हमेशा किसी प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं और हमेशा लाइपोसक्शन मेथड चूज़ करें, क्योंकि इसमें आपकी इंसीजन कम होगा, दर्द कम होगा, हीलिंग बेटर होगी, आप जल्दी डिस्चार्ज ले सकोगे और आपको बार बार डॉक्टर को दिखाने नहीं आना पड़ेगा।